और प्रदेश भर में बीजेपी के द्वारा भूपेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन एवं कलेक्ट्रेट घेराव किया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सभी जिलों में छत्तीसगढ़ के किसान विरोधी भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ सरकार की किसान विरोधी नीति, साथ ही साथ धान खरीदी में विलंब व अव्यवस्था, रकबा कटौती, बरदाने की कमी का बहाना, 9000 करोड़ का हिसाब मांगने एवं किसानों को उनकी उपज का भुगतान करने, राजीव गांधी न्याय योजना के नाम पर किसानों को छलना व ठगना बंद करने सहित प्रदेश भर में किसान आत्महत्या के लगातार बढ़ते मामले के विरोध में भाजपा ने प्रदर्शन किया, जिसमें लाखों की संख्या में किसान व भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसान विरोधी भूपेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। बता दें कि राजधानी रायपुर में हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और किसान धरना स्थल बूढ़ा तालाब में दोपहर 1 बजे एकत्रित हुए, छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजधानी के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल में विशाल जनसभा प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोशित दिखा। जनसभा में किसान बैलगाड़ी और ट्रैक्टर से रैली के रूप में प्रदेश सरकार का विरोध करने हजारों की संख्या में पहुंचे। वहीं पारंपरिक वेशभूषा के साथ कृषि उपकरण हाथ में हल लिए भूपेश सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ चुनौती देते हुए दिखे। इस धरना स्थल में हजारों की संख्या में उपस्थित विशाल जनसभा के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह व संगठन मंत्री पवन सिंह साय, पूर्व कृषि मंत्री विधायक बृजमोहन अग्रवाल और अन्य भाजपा कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हुए। सप्रेशाला मैदान के पास पुलिस प्रशासन के द्वारा लगाई गई बैरिकेड के सामने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं सहित 10,000 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। का संदेश है कि कुर्सी खाली करो कि जनता आती है। अब जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है और ये जनता भूपेश बघेल को उखाड़ फेंकने के लिए सड़कों पर आ गई है और आज उसका ये प्रारंभिक है, ये उसका ट्रेलर है। पिक्चर क्या होगी, ये तो सिर्फ एक जिले का प्रदर्शन है। जब पूरे प्रदेश के लोग रायपुर की सड़कों पर आएंगे तो भूपेश बघेल सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। ये इस बात का कि आज किसान परेशान है, आज नौजवान परेशान है, आज महिलाएं परेशान है, आज यहाँ का हर व्यक्ति परेशान है और लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। भूपेश बघेल सरकार ये पहली सरकार है कि 2 साल में ही जिस सरकार की लोकप्रियता समाप्त हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा प्रदेश खड़ा हो गया है। आज पूरे 30 जिलों में ऐसा ही आंदोलन हो रहा है और इस सरकार की ताकत नहीं है कि हमको घेराव करने दे और इसलिए सरकार ने हमारे नेताओं को सबको गिरफ्तार कर लिया। 2 साल का बोनस नहीं दिया, आपने पैसे नहीं दिए किसानों के। तो 2 सरकार का बोनस देने का वादा भूपेश बघेल ने किया था, आज उनको देना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। उसको ये पूरा क्यों नहीं कर रहे? आगे क्या रहेगी आप लोगों की रणनीति? क्योंकि आगे की रणनीति होगी कि प्रदेश स्तर पर आंदोलन होगा। 84 लाख नहीं, 1,84,00,000 टन खरीदे। जब पंजाब 3 लाख टन खरीद सकता है तो भूपेश बघेल सरकार 1,84,00,000 टन क्यों नहीं खरीद सकती?